हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज हम बात करेंगे स्पाइडर प्लांट की। ये एक लो लाइट में ग्रो होने वाला, आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। कहीं पे भी ग्रो हो सकता है ये आसानी से। ये आपके बालकनी या आपके घर की शोभा बढ़ाता है। बहुत सुंदर दिखने वाला ये एक प्लांट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ, मैं आपको केयरिंग टिप्स बताऊंगा, जिससे आप जैसे ही फॉलो करेंगे आपको मेरे जैसा स्पाइडर प्लांट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा स्पाइडर प्लांट कितने अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसे कौन सी जगह पे रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं, स्पाइडर प्लांट धूप को बेहद पसंद नहीं करता है। अगर इसको आप धूप में रख देते हैं तो फिर इसके लीव्स पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे ये अच्छा नहीं दिखता। और इसको ज़्यादा डार्कनेस भी नहीं पसंद। इसे एक ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे हवा आती रहे, थोड़ी लाइट हो। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा है, तो इसको ऑप्टिमम विंड हवा मिलती रहती है। फिर हम बात करते हैं इसकी सॉइल कंपोजिशन की। तो इसकी सॉइल मैंने सिर्फ, इसमें कुछ नहीं मिला है, बस यहाँ पे गार्डन सॉइल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सिर्फ गार्डन सॉइल है। आप इसमें कंपोस्ट या स्पेशली आप वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं इसके साथ, तो ये बेहद अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। आपको अगर मेरे जैसे एकदम हरे हरे लीव्स चाहिए तो इसको, इसके आपको वाटरिंग, पानी देने का टाइम पर ध्यान रखना होगा। आप इसे विंटर्स में हमेशा 3 या 4 दिन में पानी देते रहिए, और समर्स हो तो फिर 2 दिन में देते रहिए। इससे आपके प्लांट के पत्तियां हरे हरे बने रहेंगे। और आपको इसका कंटेनर की साइज पे ध्यान रखना है। स्पाइडर प्लांट को रूट्स डेवलप करने के लिए ऑप्टिमम स्पेस चाहिए होती है। तो इसके लिए मैंने इसके लिए इतना बड़ा गमला चूज़ किया है। आप भी इतना ही गमला ले लीजिएगा। अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा। आपको इसे अच्छी जगह पे रखना है, वाटरिंग का ध्यान रखना है, सॉइल कंपोजिशन इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर आप वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से ग्रो होगा। मैंने इसे गार्डन सॉइल में ही उगाया है और इसके रूटिंग को बहुत ज़्यादा स्पेस रखती है। मैं आपको वापस बता दूं, इसके लिए गमला थोड़ा बड़ा रखिए। बात करते हैं इसका प्रोपागेशन की। तो इसका जो प्रोपागेशन के लिए ये फूल आता है, ये फ्यूचर में और बढ़कर कहीं और यहाँ पे एक और स्पाइडर प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो आपको इसे हटाना नहीं है, और अगर आप इन्हें फॉलो करते रहेंगे तो आपका स्पाइडर प्लांट कुछ ही दिनों में बहुत अच्छा दिखने लगेगा। ये प्लांट घर के लिए बहुत लकी माना जाता है। ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का इसका ओरिजिन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसे ग्रो करने के लिए। मैं पक्का जवाब दूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।